एसिड। न्यूक्लिक एसिड, अच्छा इसके नाम के आगे एसिड जुड़ा है, मतलब एसिड है ये एक तरह का। अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन आता है फ्रेडरिक मिक्सचर से, एफ एक वैज्ञानिक है फ्रेडरिक मिक्सचर, एफ मिक्सचर, यहां से क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, ये बात है 1869 की, 1869 की, 1869 बात करती है 1869। ये सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक पस सेल, जो मवाद पड़ जाती है ना, पस पड़ जाती है वहाँ, पस जो पड़ती है ना वहाँ पर WBC पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। मैंने ब्लड के ऊपर एक टॉपिक डाला, यूट्यूब पर देखना आप। ब्लड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC का काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाकर बाहर फेंकना। WBC का काम होता है हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम बनाना, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देना। किसका काम होता है, इम्यून सिस्टम का। अब मान लो हमारी बॉडी में कहीं पस पड़ गया, पस पड़ गए, तो वहां पर कौन काम करेगा, WBC काम करेंगे। तो यहां पर फ्रेडरिक मिक्सचर ने क्या किया, जो पस सेल थे, पस सेल का मतलब वहां पर WBC थे, WBC के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस इन्होंने देखा सबसे पहली बार। एक्चुअल में वो जो एसिडिक सब्सटेंस था ना, वो ये न्यूक्लिक एसिड ही था। तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में पस सेल के अंदर, मवाद जो पड़ जाती है उनमें जो सेल होते हैं, एक्चुअली वहाँ पर WBC थे, क्योंकि पस के अंदर WBC ही होते हैं। तो WBC के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस देखा और उस एसिडिक सब्सटेंस का नाम रख दिया उन्होंने क्या, न्यूक्लिन। तो एसिडिक न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहली बार किसने देखा, फ्रेडरिक मिक्सचर ने, उसको नाम क्या दिया, न्यूक्लिन। यहां से क्वेश्चन आता है, इसके ठीक 20 साल बाद एक वैज्ञानिक आए अल्टमान, ये हमेशा ऐसी एंट्री मारते हैं 1889 में। इन्होंने सबसे पहली बार इस न्यूक्लिन को इन्होंने न्यूक्लिक एसिड कहा, यानी कि ये जो न्यूक्लिक एसिड शब्द है ये किसने दिया था, अल्टमान ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि न्यूक्लिक एसिड जो शब्द है वो किसने दिया है आपका, अल्टमान ने दिया है। अब बात करते हैं अपन इस न्यूक्लिक एसिड की, ये तीन होते हैं दो होते हैं DNA और RNA। अब देखो ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, अगर अपन 1928 से पहले जाएं तो उस वक्त लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता हो, जिसके अंदर खुद से रेप्लिकेशन हो जाए, जिसके अंदर म्यूटेशन हो, जिसके अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अनुवांशिक इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हो, वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में क्या है, ये 1928 से पहले से किसी को मालूम ही नहीं था। तीन चीज़ें थी उस वक्त, DNA, RNA और एक था प्रोटीन। इनके बीच में वैज्ञानिकों की बहस चलती थी। कुछ वैज्ञानिक कहते थे कि नहीं DNA जेनेटिक मटेरियल है, कुछ कहते थे कि नहीं RNA जेनेटिक मटेरियल है, कुछ कहते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो सब्सटेंस जाता है वो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग थ्योरी थी, अलग अलग बातें थी, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिकों का झुकाव था DNA की तरफ कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, ये DNA ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया ये पता करने के लिए कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पर तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिनको आप याद रखेंगे साइंटिस्ट के साथ और उनके ईयर के साथ। उस एक्सपेरिमेंट में अंदर क्या हुआ उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में REU, SADO, AO और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वहाँ इतना डिटेल में नहीं पूछते। आप बस एक्सपेरिमेंट कौन सा था, किस वैज्ञानिक ने दिया था और कब दिया था, ये आप याद रखेंगे। DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ 1928 में। और ये एक्सपेरिमेंट किसने स्टार्ट किया था, ग्रिफिथ ने। वैज्ञानिक का नाम क्या है, ग्रिफिथ। इन ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसको नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। आपने सुना भी होगा, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा यूट्यूब पर, वहाँ आप देख लेना। अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है डिटेल में। ग्रिफिथ ने चूहा लिया था, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, डिप्लोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया है उसको लिया था, उसके दो स्ट्रेन लिए थे स्मूथ और रफ। चूहे के अंदर इंजेक्शन लगाए दोनों के, किसी में चूहा मर गया किसी में चूहा नहीं मरा, फिर उसको हील्ड किल्ड किया, मिक्स किया, फिर लगाया, फिर चूहा मरा नहीं, फिर जिंदा हो गया, तमाम तरह की चीज़ें हैं वो मैं बाद में समझा दूंगा। आप बस अभी इतना याद रखो कि DNA को प्रूफ करने के लिए कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, DNA ही अनुवांशिकी तत्व है, ये पता करने के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट 1928 में किया गया ग्रिफिथ के द्वारा, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ये आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है।
लेकिन ग्रिफिथ का ये एक्सपेरिमेंट रहा तो सक्सेसफुल, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है क्या। वो कन्फ्यूज हो गए, उनका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर दिया लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का कोई कंक्लूजन नहीं निकला। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं कि अपन एक तरह से ये बताने में फेल रहा, लेकिन सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने कोशिश की कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। सक्सेस नहीं मिली वो बात अलग है। उसके बाद 1944 यही एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, इसको वापस से परफॉर्म किया गया, द्वारा से इसको दोहराया गया। तीन वैज्ञानिक थे, एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। तीन वैज्ञानिक, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, नाम याद रखना। इन्होंने ग्रिफिथ के इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया और ये पहली बार प्रूफ करके दिखाया कि हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ये इन्होंने कंक्लूजन निकाला था इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का। लेकिन बात ये होती है ना कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट एक बार फेल हो चुका है, फिर उस फेल हुए एक्सपेरिमेंट को आप फिर से करने जाओ तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। तो इन्होंने हालांकि ये सबसे पहली बार बता तो दिया, ये कंक्लूड कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इतना ज़्यादा फेमस ये नहीं हुआ। उसके बाद 1951 में, कब की बात है, 1951 में दो वैज्ञानिक आए, हर्से एंड चेस। ये आपको याद रखना है, हर्से एंड चेस, यही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर्से एंड चेस। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक्सपेरिमेंट था। मतलब इस एक्सपेरिमेंट को सभी लोगों ने करके देख लिया, रिजल्ट वही आया। और क्या रिजल्ट आया, इन्होंने ये प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ये आप, अब होता क्या है इसमें, कैसे किया था, वो आपकी बात नहीं है, वो आपके काम की चीज़ नहीं है। आप बस इतना याद रखो कि हर्से और चेस 1951 मतलब 1991, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी आज़ादी के बाद जाके हमको पता चला है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। तो 1951 में हर्से और चेस ने ये फाइनली प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इस एक्सपेरिमेंट को सभी लोगों ने करके देख लिया, इसका अभी तक फेलियर नहीं हुआ है, हमेशा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो गया, मतलब अब इस पर खोज करने की जरूरत नहीं है कि डीएनए के अलावा कुछ और भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है क्या। ऑलमोस्ट, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कुछ ऐसे कुछ वायरसेस भी हैं जहाँ पर आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक वैज्ञानिक थे फ्रेंकल एंड कॉन्ड्रेट, वैज्ञानिक कौन थे, फ्रेंकल एंड कॉन्ड्रेट, इनका अलग बहस चल रही थी। ये कह रहे थे कि नहीं, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने 1957 में एक एक्सपेरिमेंट किया, कब, 1957 में, और इन्होंने कहा कि नहीं, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, और इनका कहना एकदम सही था। लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल सभी के अंदर नहीं है, सबके अंदर क्या होता है, डीएनए। आरएनए जो है वो कुछ एक्सेप्शन है। इन्होंने बताया टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, इन्होंने बताया कि टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो यहां से आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो आप ही ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आप आंख बंद करके लगाओगे डीएनए। लेकिन आपसे पूछा जाए टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो फिर आपका आंसर होगा आरएनए। और ये किसने प्रूफ किया था, फ्रेंकल एंड कॉन्रेट ने 1957 में। ठीक है, जब डीएनए का पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके ऊपर खोज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वाटसन और क्रिक थे उस वक्त, ठीक है, इन्होंने अपनी खोज ज़्यादा बढ़ा दी और एक मॉडल दिया था बाद में जाकर, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुआ। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, ये पता चल गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है इन एक्सपेरिमेंट से। अब न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं, दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए, इन दोनों को पढ़ेंगे अपन डिटेल में। इन डीएनए और आरएनए के अंदर सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं, उन तीन चीज़ों से ही डीएनए और आरएनए बनता है। उन तीन चीज़ें क्या हैं, एक तो है शुगर, इस शुगर के अंदर होते हैं 5 कार्बन, इसलिए इसको पेंटोस शुगर भी कहा जाता है। पेंटोस मतलब 5, हेक्सोस मतलब 6, सेप्सिडोस हेप्टोस मतलब 7, ऑक्टोस मतलब 8। तो शुगर के अंदर 5 कार्बन है, इसको पेंटोस शुगर कहते हैं। ठीक, दूसरा इसके अंदर होता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 और नाइट्रोजिनस बेस इसके अंदर पाए जाते हैं, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, ऊपर का बोर्ड थोड़ा खाली कर।
तो न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के? दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए, जिसमें से जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वो टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर है और कुछ एक दो वायरसेस और हैं, प्लांट वायरसेस हैं जिनके अंदर है, नहीं तो ज़्यादातर केसेस में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की, कि न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड कितने? दो, डीएनए और आरएनए। अब डीएनए हो या आरएनए हो, ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो है शुगर, दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या है? H3PO4, ये ठीक है। और तीसरा है नाइट्रोजिनस बेस। तीन चीज़ें होती हैं, इन्हीं तीन चीज़ों से भी डीएनए बन जाता है, इन्हीं तीन चीज़ों से आरएनए बन जाता है। शुगर जो यहाँ पर होती है ना, उसके अंदर पांच कार्बन होते हैं, इसलिए इसको पेंटो शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेंटो शुगर। और पांच कार्बन वाली जो शुगर होती है उसको राइबो शुगर भी कहा जाता है। अब देखो डीएनए और आरएनए में क्या होता है, इसके जो शुगर होता है ना, वो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और एक यहां से होता है आपका पांचवा कार्बन, ठीक है। यहां पर क्या होता है, हर एक पर ऑक्सीजन एटम जुड़ा होता है। यहां पर भी आपका OH रहेगा, यहां पर आपका H, तो ये अपना उधर जुड़ जाएगा, OH हो जाएगा यहां पर, ठीक है। इसका H हो गया यहां पर। अब पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, अब देखो ध्यान से सुनना आप, डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है। यहां लिखते हैं अपन आरएनए और डीएनए, ठीक है। यहां पर आप देखोगे हर एक कार्बन पर एक ऑक्सीजन है, हर एक कार्बन पर एक ऑक्सीजन पाया जाता है। पहले कार्बन पर भी है, दूसरे कार्बन पर भी है, तीसरे कार्बन पर भी है और चौथे कार्बन पर भी है और पांचवें कार्बन पर भी है। हर एक कार्बन पर एक ऑक्सीजन है। ऐसे शुगर को अपन सिंपली राइबोस शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोस शुगर, जो पाई जाती है आरएनए के अंदर। इसलिए तो आरएनए को क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर क्या होता है? सब कुछ यही रहेगा, बस एक छोटा सा बदलाव यहाँ पर हो जाता है, और वो ये कि सेकंड कार्बन जो है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है ना, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है। यहाँ से क्या होता है? ऑक्सीजन गायब हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सी, दूसरे से हटा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबोस शुगर। इसलिए तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कहानी समझ में आ गई। तो दो प्रकार की शुगर होती है, एक राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर होती है आरएनए के अंदर और डीएनए के अंदर होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर। फर्क दोनों में सिर्फ इतना ही है कि डीऑक्सी राइबोस शुगर के सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हट जाता है, इसलिए उसको डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। क्लियर हो गया? फॉस्फेट ग्रुप में कुछ नहीं है, इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से इसको एसिडिक नेचर मिलता है। मतलब ये जो डीएनए है, अपन ने इसको एसिड क्यों कहा? इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। यहाँ से क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि डीएनए या आरएनए एसिडिक नेचर का क्यों होता है? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। अब आ जा नाइट्रोजिनस बेस। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन फिर से दो प्रकार के होते हैं और पिरिमिडिन होते हैं तीन प्रकार के। प्यूरिन होते हैं कितने? दो प्रकार के, एडेनिन जिसको ए से लिखा जाता है और दूसरा है ग्वानिन जिसको जी से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर है थायमिन जिसको टी से लिखा जाता है और दूसरा है आपका साइटोसिन जिसको सी से लिखा जाता है और तीसरा है आपका यूरेसिल जिसको यू से लिखा जाता है। टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने हैं? पांच, थायडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब डीएनए हो या आरएनए हो, डीएनए के अंदर भी चार होते हैं और आरएनए के अंदर भी चार होते हैं। ये जो प्यूरिन है ना, ये तो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर होते हैं। प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन डीएनए में भी होगा और आरएनए में भी होगा। यहां पर कोई दो प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर और कोई दो प्रेजेंट होते हैं आरएनए के अंदर, क्योंकि डीएनए हो या आरएनए टोटल कितने? चार ही होते हैं, तो दो तो यहां से हो गए। अब यहां पर तीन है, तो कोई दो डीएनए के अंदर होंगे, कोई दो आरएनए के अंदर होंगे। ये पहले दो थायमिन और साइटोसिन ये होते हैं डीएनए के अंदर, और साइटोसिन और यूरेसिल ये होते हैं आरएनए के अंदर, ठीक। मतलब डीएनए और आरएनए में क्या फर्क है? सिर्फ थायमिन का, टी का और यू का,
थायमिन का और यूरेसिल का। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि डीएनए के अंदर वो कौन सा नाइट्रोजिनस बेस है जो आरएनए के अंदर नहीं है, तो वो कौन सा है? थायमिन। ये पूछ लेते हैं कि आरएनए के अंदर वो कौन सा नाइट्रोजिनस बेस है जो डीएनए के अंदर नहीं है, तो यूरेसिल, क्योंकि यूरेसिल होता है आरएनए के अंदर और थायमिन के अंदर, डीएनए के अंदर होता है थायमिन। मतलब डीएनए के अंदर यूरेसिल की जगह क्या होता है? थायमिन, और आरएनए के अंदर थायमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। बात समझ में आ गई? ठीक। अब देखो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यहां पर दो चीजें और बताऊंगा मैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। देखो देख लो, चलो पहले बताता हूं आपको मैं, दो शब्द होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। जब शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजिनस बेस ये तीनों आपस में मिल जाए तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जब शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस केवल ये दोनों मिले तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। दोनों को अभी मैं और क्लियर अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है? अभी के लिए इतना सुनो, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजिनस बेस ये तीनों आपस में मिल जाए तो न्यूक्लियोटाइड, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस दोनों आपस में मिले तो न्यूक्लियोसाइड।